हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दूसरे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं पके के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप गर्मियों में ठंडी ठंडी बनाएंगे और बनाते ये तुरंत से ख़त्म हो जाएगी। सभी को बहुत पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत ही पसंद से खाएंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते। उससे पहले अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमेंट में हर हर महादेव लिखे। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है पका हुआ केला। तो यहाँ पर मैं दो केले से बना रही हूँ इसे। अगर केले घर में आती है, कभी कभी क्या होती है कि एक दो केले ज़्यादा पक जाती है और ख़राब हो जाती है। तो वो ख़राब नहीं होती है, ज़्यादा पक जाती है, जिससे उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ज़्यादा पके हुए केले रहते हैं, उससे भी आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से नॉर्मल जो पकी रहती है उससे भी आप बना के तैयार कर सकते हैं। केले को हमने छील लिया और इस छिलके से भी हम इस छिलके को भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इस छिलके से मैं फर्टिलाइजर तैयार करूँगी। किचन गार्डन में जो हमने पौधे लगाए हैं उसमें हम इसे, तो इसकी ज़्यादा मोटी हमें पीसेस नहीं कट करनी है, बस इस तरीके से नॉर्मल हम इसे कट कर लेंगे। तो दोनों केले के हम इस तरीके से पीसेस कट कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप सभी को। यकीन मानिए, इस तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और जब भी आप इसको बनाएंगे ना, तो बनाते ही तुरंत ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी होती है। तो इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर हमारी सारी केले जो वो कट गई है, मैंने दो केले को काट के इस तरीके से रख लिया है इसकी स्लाइस। अब यहाँ पे हमें लेना है इस तरीके से जिप पैक वाली जो पॉलिथीन होती है, वो अगर आपके पास है तो उसमें आप इसे डाल दीजिए और जिप लगा के रख सकते हैं। अगर नहीं होती है, सभी के घरों में नहीं होती है, तो इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए, या फिर जिसमें हमें सामान वगैरह लाते हैं मार्केट से ना, तो उस तरीके से पॉलिथीन भी ले सकते हैं। और इसमें सारे पीसेज को इसमें डाल देंगे और रबड़ से इसे हमें कवर कर देना है, मतलब अच्छे से रबड़ लगा के इसे हमें बंद कर देना है, ताकि अंदर में जो आइस क्रिस्टल ना जमे, बर्फ ना जमे इस केले में। तो इस तरीके से हम सारे केले को डाल देंगे और इसके ऊपर हम रबड़ लगा के इसे अच्छे से बंद कर देंगे। तो इस तरीके से घर में ही रखी हुई चीज़ों से हो जाती है। अगर जिप बैग नहीं है तो इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक में आप रख सकते हैं और इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी और इसे रबड़ लगा के पैक कर दूँगी और इसे रख देंगे फ्रीजर में एक घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो एक घंटे के बाद मैं इसे दिखाती हूँ मैं। तो एक घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में डाल देते हैं और ये देखिए एक घंटा हो गया है। अब इसे मैं लेके आ गई हूँ फ्रीजर से निकाल के। इसके मैं रबड़ खोल के और हम सारी जो है अंदर में जो पीसेज है केले के उसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। और ये देखिए इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल नहीं जमी है, क्योंकि ऊपर से अच्छे से हमने इसे रबड़ से पैक कर दिया था, ताकि अंदर में कोई थोड़ा सा भी हवा ना जाए। और ये देखिए अच्छे से सेट हो चुकी है हमारे केले। इसे हम छोटे छोटे पीसेज में इसे तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हम तोड़ लेंगे, अच्छे से ये मतलब सेट हो गई है बर्फ़ की तरह, मतलब ये जमी हुई है लेकिन इस पर बर्फ़ नहीं जमी है। इस तरीके से हम इसे तोड़ लेंगे तो बहुत ही आसानी है, बहुत ही झटपट से बन जाती है। और हमें इसमें इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस भी नहीं जलाना पड़ता है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार, तो कोई छोटा या बड़ा जिस हिसाब से आप केले ले रहे हैं उस हिसाब से कोई भी जार ले लीजिए। और इसमें हम सभी केले को डाल देंगे और ढक्कन लगा के इसे हम ऐसे ही थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, ताकि अच्छे से थोड़ा सा ये ग्राइंड हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये ग्राइंड हो गई है। अब इसमें हमें डालना है दूध। तो यहाँ पर कोई भी नॉर्मल दूध आप ले सकते हैं, गाय भैंस जो भी आपके घर में दूध आती है। मैंने आधा कप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमें कोई कंडेंस मिल्क या फिर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही व्हिपिंग क्रीम का। तो यहाँ पे हमें लेना है घर में जो दूध आती है, दूध के ऊपर जो फ्रेश मलाई पड़ जाती है ना, वही मलाई हमने यहाँ पर दो टेबल स्पून यहाँ पर मलाई लिया, दो बड़ा चम्मच भर के हमने यहाँ पर फ्रेश मलाई लिया है। इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। अगर आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कंडेंस मिल्क डालें तो आप चीनी ना डालें, क्योंकि केले ऑलरेडी मीठी होती है। तो इसमें हमने बस मलाई डाला है, इसलिए हमने एक चम्मच भर के छोटा चम्मच से ही मैंने एक चम्मच चीनी डाला है। और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन के यहाँ पे तैयार हो गया है, एकदम क्रीमी क्रीमी सा टेक्स्चर देखने से लग रहा है कितनी ये क्रीमी टेक्स्चर बनी है। तो इस तरीके से हमें इसके इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब इसमें अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए मैं डालूँगी इसमें वैनिला एसेंस, 4 से 5 ड्रॉप इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, अगर है तो डालें, या फिर इसके बिना भी आप बना सकते हैं, या फिर जो पसंद हो आपको वो फ्लेवर इसमें डाल सकते हैं आप। पर मैं इसमें सिर्फ वनीला डालूंगी, क्योंकि ये बनाना से बना रही हूँ, मतलब केला से ये बन रही है आइसक्रीम। तो इसमें थोड़ा सा मैं वनीला एसेंस डालूंगी, थोड़ा सा हल्का सा इसमें फ्लेवर आ जाए वनीला का। अब इसमें इसे सेट करने के लिए हमें कोई भी स्टील की कंटेनर ले सकते हैं, या फिर प्लास्टिक की, जिसमें भी आपको सेट करना हो, या फिर कोई डिस्पोजल कप हो उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा एक प्लास्टिक का डब्बा लिया है और इसमें डाल देंगे।
और जो बाकी बची हुई है बैटर, मतलब बची हुई है, उसे इस तरीके से एक डिस्पोजल वाले कप जो होती है छोटे वाले, उसमें हम इसे डाल देंगे और इसमें भी छोटे छोटे आइसक्रीम्स जम जाएगी, तो इसमें भी सेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम इस पर रख लेंगे सभी को। और इसके ऊपर थोड़ी सी हमने कटी हुई, बारीक कटी हुई काजू बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे। और इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट डाल देंगे ताकि इसके अंदर बर्फ़ ना जाए, बर्फ़ ना जमे तो अच्छे से हमारी आइसक्रीम सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक प्लास्टिक शीट डाल दीजिए। अगर प्लास्टिक शीट नहीं है तो घर में पॉलीथीन आती है ना, उसी को कट करके आप इस पर अच्छे से सेट कर दीजिए। और इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे और इसे रख देंगे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए, या फिर आप ओवरनाइट के लिए इसे रख दीजिए। तो मैं शाम में बना रही हूँ तो इसे ओवरनाइट के लिए मैंने रख दिया है सेट होने के लिए, और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। तो ओवरनाइट के बाद मैं सुबह में इसे निकाली हूँ फ्रीजर से और ये देखिए अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो पहले मैं डिस्पोजल वाली निकालती हूँ, तो इस तरीके से ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। और इसके ऊपर थोड़ी सी मैं यहाँ पे काजू बादाम इस पर से इसे गार्निश कर दूँगी, कटी हुई बारीक कटी हुई से। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, यकीन मानिए एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी। और एक बार अगर इस तरीके से बना लिया ना तो मार्केट की आइसक्रीम भी खाना बच्चे भूल जाएंगे। और ये घर में बनी हुई है, केले से बनी हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है। तो इस तरीके से बनाए, बच्चों को भी खिलाए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो इसे हम इस तरीके से पलट लेते हैं और इसके हम इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से हम इस पर इधर से भी डाल देंगे कटी हुई ड्राई फ्रूट्स, तो इस पर भी डाल देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए काटने से लगेगा कितनी ये सुपर सॉफ्ट, एकदम स्मूथ सा हमारा आइसक्रीम बनके तैयार है ये केले से। तो पके हुए केले से ये आइसक्रीम बन गई है। तो जब भी आपके घर में पके हुए केले बच जाते हैं तो इस तरीके से बनाए, बच्चों को खिलाए, खुद भी खाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।